अवधेश ने कह दिया, गुरुदेव आज तक मैं पिता था, ये मेरी संतान थी, मेरे पुत्र थे, आज आप लेकर जा रहे हो तो मैं आपको अधिकार दे रहा हूँ, आज से इनके पिता अवधेश नहीं है, इनके पिता आप ही हो, ये मानकर लेकर जाओ। वही परमात्मा जो अप्रत्यक्ष रूप से सभी कर्म करने वाले हैं, सब करता हुआ भी जो कुछ नहीं करे उसी को परमात्मा कहा जाता है, और जो कुछ ना करता हुआ भी सब कुछ करे। आज वही भगवान विश्वामित्र जी के साथ चले हैं। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन ताड़का का वध भगवान के द्वारा हुआ, और यहाँ से भगवान के असुर वध की लीला का प्रारंभ कराया विश्वामित्र जी ने। यहाँ से आश्रम पर लेकर आए, कुछ दिन भगवान यहाँ रुके, यहाँ भगवान ने महात्मा विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण कराया। बाद में आज जनकपुर से कुछ दूत आए हैं, इन्होंने निमंत्रण दिया, समाचार दिया विश्वामित्र जी को, महात्मन आपको महाराज जनक ने सादर जनकपुर में आमंत्रित किया है। आनंदित हो गए विश्वामित्र जी, राम जी को लक्ष्मण जी को बुलाया, मुझे जनकपुर से निमंत्रण आया है, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे, भगवान से पूछ रहे हैं। अब एक बात बताओ, भगवान तो वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, आज आजकल के जैसा थोड़ी चलता था, पहले तो बड़ी मर्यादा होती थी ना, विवाह के कार्य में तो बड़ी मर्यादा, पहले तो नियम होता था, यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो लोग जानते हैं, घर के लोग जाते थे पसंद करके चले आते थे, और घर आकर कह देते हमने आपका संबंध कर दिया, हो गया। आज ऐसा थोड़ी चलता है, आज तो अगर पिताजी जाएंगे तो बेटा भी कहता है पिताजी हम भी साथ चले, और आजकल तो बड़ा मुश्किल है, कई जगह हमने देखा, चाहे गुण कैसा भी हो, गुण को तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन व्यक्ति इस बात को देखने में लगे, एक इंच भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें लगे, उस समय तो बड़ी मर्यादा रही होगी, और भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, आज विश्वामित्र जी ने ही पूछ लिया, राम जी आप भी चलेंगे जनकपुर, अब भगवान क्या उत्तर दें, नहीं कहें तो भी ठीक नहीं, मर्यादा के खिलाफ है, हाँ कहें तो कैसे कहें, क्योंकि भगवान को पता है ये ज्ञानी महात्मा है, पता तो इन्हें भी सब कुछ है कि वहाँ होने वाला क्या है, अभी महात्मा विश्वामित्र जी कहेंगे ससुराल जाने की बड़ी जल्दी है, तो भगवान ना हाँ कह सकते ना ना कह सकते। विश्वामित्र जी ने कहा आपको चलना है तो बताओ, भगवान मौन हो गए, मौन मुस्कुरा दी, भगवान की मुस्कुराहट से समझ लिया विश्वामित्र जी ने कि इनको भी जाना है। यहाँ से मानस में बड़ा सुंदर जनकपुर का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, हम लोग भगवान के साथ मन मानस से चले आज जनकपुर की यात्रा पर। यहाँ जनकपुर कोई साधारण नगर नहीं है, जनकपुर साक्षात भक्ति देवी जहाँ अवतरित हुई है, प्रकट हुई है, भक्ति का नगर है जनकपुर। भगवान आज चले हैं, मानसकार ने दर्शन कराया है। धनुष जाके सुन रघुकुल ना, धनुष जाके सुन रघुकुल ना, धनुष जाके सुन रघुकुल ना, धनुष जाके सुन रघुकुल होने वाला है। मानसकार ने कहा हर्ष चले, भगवान इतनी प्रसन्नता से चले हैं जनकपुर की ओर।
मानो भगवान की प्रसन्नता कब बनती है? ये भक्ति के नगर की यात्रा है। भक्ति से भगवान का संबंध होगा, उस यात्रा पर भगवान जा रहे हैं। तो जब जब भक्ति का पक्ष आता है तब तब भगवान बड़े प्रसन्न होकर चलते हैं। और वैसे भी हम तो अक्सर कहते हैं कि केवल भगवान ही क्यों, जब जब जनकपुर का प्रसंग आता है तो सच्चाई कहना यहाँ हर उम्र के लोग बैठे हैं। आप लोगों को जब जब आपकी जनकपुर से निमंत्रण आए तब तब प्रसन्न होकर चलते हो ना, आपके अपने जनकपुर में भगवान तो आज पहली बार जा रहे हैं तो बड़े आनंदित तो होते हुए हर्ष चले मुनिवर के साथा मानस कार दर्शन करा रहा है। हर्ष चले भगवान ने देखे, एक आश्रम नजर आया, भगवान ने उत्सुकता बस प्रश्न कर दिया, ये आश्रम इतना निर्जन क्यों दिखाई दे रहा है? आश्रम एक दीख मत जिज्ञासा बस पूछ लिया किसका आश्रम है। यहाँ कोई खग नहीं है, पशु पक्षी कोई नजर नहीं आ रहा, कोई मानव नहीं दिखाई दे रहा। गुरुदेव ने सारी कथा यहाँ गौतम ऋषि की श्रवण कराई, बाद में कह दिया यहाँ गौतम पत्नी अहिल्या आपके आगमन की प्रतीक्षा में वर्षों वर्ष से पड़ी हुई है शिलावन करके, इसलिए कृपा करहु रघुवीर। भगवान को आगे बढ़ाया परमात्मा के द्वारा, भगवान के चरण स्पर्श से शिला से नारी बनी है आज अहिल्या। भगवान की बड़े दिव्य रूप में स्तुति की अहिल्या, पति लोक को बाद में चली गई। भगवान यहाँ से आगे बढ़े, बिल्कुल जनकपुर में भगवान का प्रवेश हो रहा है और मानसकार दर्शन कराए। जनक जी आज नगर के द्वार तक विश्वामित्र महात्मा के सुंदर स्वागत के लिए आए हैं। यहाँ नगर के द्वार पर ही इन्हें भगवान का दर्शन हुआ। और देखो जनक जी हैं ज्ञानी, ज्ञानी को परमात्मा नजर आया है। प्रश्न कर दिया कहो नाथ सुंदर दो बालक, ये दोनों सुंदर बालक हैं कौन? विश्वामित्र जी ने कहा महाराज मूर्खो जैसे प्रश्न मत करिए। जनक जी से कह दिया जनक जैसा ज्ञानी कौन होगा त्रेता में? आप तो ज्ञानी हैं, आप बताइए ना कौन होगा। जनक जी के मुख से शब्द निकल पड़े मुझे ऐसा लगता है ये साक्षात ब्रह्म ही दो रूप में आ गया। ब्रह्म जो ने गाया है निगम ने
कहेगा वह वही ब्रह्म दो स्वरूप बनाकर आ गए, ऐसा मुझे लगता है, जनक जी बोले। और जब जनक जी ने ये शब्द कहे तो विश्वामित्र जी तो आनंदित हो गए। महात्मा जनक जी, आपको ऐसे ही लोग ज्ञानी नहीं कहते, आप जो कह रहे हैं वही सत्य होगा ना। दो, एक ज्ञानी महात्मा है, तपस्वी महात्मा है, और एक गृहस्थ महात्मा है। भगवान ने कहा अच्छे मिले दोनों, दरवाजे पर ही हमें भगवान बनाने पर तुले। अभी तो जनकपुर की इतनी लीला बाकी है। भगवान मुस्कुराए और ईश्वर की मुस्कुराहट ही मानो भगवान की माया है। जनक जी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, अभी ब्रह्म मत बनाइए, अभी आगे बड़ी लीलाएं करनी है। लेकर के आए जनक जी सुंदर निवास में, निवास ग्रह में ठहराया। दूसरा दिन हुआ जनकपुर में, आज भगवान जनकपुर के दर्शन के लिए गए। लक्ष्मण जी साथ में हैं। लक्ष्मण का भाव बना कि हम जनकपुर घूम कर आए, तो भगवान आज जनकपुर में आया। गोस्वामी जी कहे जनकपुर के नर नारियों को जैसे ही सूचना मिली, बड़े सुंदर दो राजकुमार नगर में आए हैं, ये अपना काम धाम छोड़ करके दौड़ पड़े भगवान के दर्शन के लिए। धाए नाम काम सब त्यागे, धाए नाम काम सब त्यागे, धाए नाम काम सब त्यागे, धाए नाम काम सब त्यागे। मनमुरंग निधि लूटन आ। लेकिन मानसकार ने मर्यादा रखी, पुरुष लोग बाहर आकर दर्शन कर रहे हैं, पर जनकपुर की माताएं बाहर नहीं आई। जुबती भवन झरोखन लाला, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा ये सब जो युवतियां हैं ना, महिलाएं हैं, जो सखियां हैं जनकपुर की, ये अपने अपने झरोके से भगवान को देख रहे हैं। किसी 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 ने छत पर जाकर ऊपर से भगवान को देखना शुरू किया, किसी किसी ने अपने दरवाजे की खिड़की खोल ली, झरोके से खिड़कियों से भगवान को देख रहे हैं। लेकिन भगवान आज ससुराल में चले जा रहे हैं, ध्यान देना। वैसे ही राम जी इतने संकोची थे, वैसे ही भगवान इतने संकोच में चलते हैं सिर नीचे करके। आज भगवान को लगा कि अरे हम तो अपनी ही ससुराल में जा रहे हैं, अपने ही नगर में घूम रहे हैं, तो सिर और झुक गया। दो चार सखियों ने भगवान को देखा, इशारा किया, महाराज इतना सिर झुकाओगे तो हमें दर्शन कैसे मिलेगा। तनी हेरी रघुनाथ जी, थोड़ा सा हमारी ओर देख लीजिए, ये सारी सखियां जनकपुर की, ये सब भगवती श्री जानकी जी की बड़ी प्रिय सखियां हैं। भगवान को अपनी जनकपुर की भाषा में संबोधित कर रही हैं। थोड़ा सा हमारी ओर देख लीजिए, आपका क्या बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये इतना कह रही तो हम थोड़ा सा देख ले। राम जी ने कहा लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशियों में भी मैं राम, हम किसी पर स्त्री को नहीं देखते। भगवान ने और थोड़ा सिर झुका दिया। मानस का बड़ा प्यारा प्रसंग, सखियां आज भगवान से निवेदन कर रहे हैं। कनी हेरी रघुनाथ जी भाव बनाइए, जनकपुर में हम आप सभी लोग उन सखियों के रूप में विराजमान हैं।
और ऐसे समय में जब हम ही लोग भगवान का दर्शन करते हुए गा रहे हो तो कैसे गए हैं।
उम्र में तब से आपने अपनी सुंदरता से, आपने अपने चितवन से सारे जनकपुर के नर नारियों को मोहित कर लिया है। नहीं चलाए मधुर दर्शन कर रहे हैं। सबने भगवान को प्रार्थना की, महाराज थोड़ा सा हमारी तरफ देख लो तो हमें भी दर्शन मिल जाए। पर भगवान क्यों देखने लगे? भगवान तो वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। मानसकार कहे जब भगवान नहीं देखे, भगवान ने देखा ही नहीं। भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया भगवान ने। एक रात्रि और विश्राम हुआ जनकपुर में, दूसरा दिन हुआ। आज प्रातः काल गुरुदेव का आदेश हुआ तो भगवान आज पुष्प वाटिका में भगवान आए। यहाँ परमात्मा श्री राम लक्ष्मण जी के सहित गुरुदेव के आदेश से पुष्प चयन को आए, पर कार्य तो और विशेष है। पुष्प चयन से भी ज्यादा बड़ा कोई कार्य है। मानसकार ने संकेत किया, समय जान गुरु आयस उपाय। भगवान ने समय जाना है ना, समय जान गुरु आयस उपाय, मतलब समय किस चीज का जाना। भगवान को लगा अब समय हो गया, चलना चाहिए पुष्प वाटिका का। कहते हैं जितना भक्त भगवान से मिलने के लिए व्याकुल होता है, भगवान भी भक्त से मिलन के लिए उतने ही व्याकुल होते हैं। आज भगवती श्री जानकी जी जिस व्याकुलता में आ रही हैं, भगवान भी उतने व्याकुल। दरवाजे पर आए, पुष्प वाटिका के द्वार पर दो चार माली नजर आए। भगवान ने पूछ लिया मालियों से, आपकी वाटिका में से हम पुष्प चयन कर लें। मालियों से जब भगवान पूछ रहे हैं, यहीं से पुष्प वाटिका प्रसंग का प्रारंभ करा रहा है। चौंधी से जीता पूछ माली गन, तक भगवान को देखा। एक बार, दो बार, तीन बार लक्ष्मण जी बोले, महाराज जिधर भी जाते हैं कोई ना कोई समस्या। लक्ष्मण जी बोले, अरे भगवान आपसे पूछ रहे हैं, आपकी वाटिका से कुछ पुष्प चयन कर ले।
माली बोले अरे हम भी तो यही देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मालियों ने पूछा आप वही हैं जो कल विश्वामित्र जी के साथ नगर में आए? भगवान बोले हैं तो वही। मालियों ने कहा फिर आप बिल्कुल पुष्प चयन नहीं कर सकते। भगवान बोले क्यों? मालियों ने कहा हमने तो सुना है आपके चरण के स्पर्श से पत्थर से नारी बन गई। महाराज जिसके चरण के स्पर्श से पत्थर में से नारी बन जाए, उसके हाथ के स्पर्श से अगर पौधों में से वृक्षों में से नारियां बनने लगी तो बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए आप पुष्प नहीं ले सकते। भगवान ने कहा नहीं पुष्प तो हमें चाहिए। मालियों ने एक बार फिर भगवान को देखा। भगवान बोले क्या देख रहे हो? मालियों ने कहा हम ये देख रहे हैं कि आपको पुष्प चाहिए किस लिए? भगवान बोले गुरुजी ने कहा इसलिए चाहिए। माली बोले हम तो ये देख रहे हैं जिसके चरण कमल के समान हो, जिसके श्री करार बिंद चरण हाथ जिनके कमल के समान हो, जिनका मुखमंडल कमल के समान हो, जिनके नेत्र कमल के समान हो, जिनका एक एक अंग प्रत्यंग कमलमय हो, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारा। अरे जिसका सर्वांग पुष्पमय है, कमल से भी ज्यादा सुंदर और सुकोमल है, उसको पुष्प की जरूरत क्या है? माली बोले आप क्या करोगे पुष्प लेकर? भगवान बोले नहीं नहीं, गुरुजी ने आदेश दिया है पुष्प लाना है। मालियों ने कहा महाराज ले तो लीजिए, लेकिन हम आपको पहले ही सचेत कर दें, सावधान कर दें, अभी अभी सूचना मिली है भगवती श्री जानकी जी का आगमन होने वाला है, इसलिए अति शीघ्र पुष्प लेकर के चले जाए। भगवान ने कहा ठीक है। आए हैं वाटिका में, दो चार पुष्प चयन किए भगवान ने। एक हाथ में भगवान ने पत्तों का दोना बनाया, उस दोने में भगवान ने दो चार पुष्प रखे और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। उसी समय भगवती का प्रवेश हो रहा है। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर श्री जानकी जी का प्रवेश हो रहा है श्री पुष्प वाटिका की पवित्र भूमि में और मानस की पवित्र भूमि में एक साथ भगवती का प्रवेश कराया। भगवान पुष्प चयन कर रहे हैं। एक पुष्प भगवान ने हाथ में लिया तोड़ने के लिए। संतों ने बड़ा प्यारा दर्शन कराया, एक क्षण के लिए जानकी का दर्शन करो। भगवान पुष्प को तोड़ने वाले थे तब तक जानकी जी का प्रथम चरण वाटिका के दरवाजे पर दहली पर रखा और वहां किशोरी जानकी जी का प्रथम चरण आया। यहां भगवान एकदम से ना तो पुष्प को तोड़ पा रहे हैं ना पुष्प को छोड़ पा रहे हैं। ध्यान वहां चला गया। यहां किशोरी जी का प्रवेश हुआ, सखियों के साथ आए हैं, लेकिन पहले भगवान के दर्शन के लिए नहीं आई, पहले गिरिजा पूजा के लिए आई। यहाँ सब सखियां साथ में हैं, पर एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी ने सीता जी का साथ कुछ देर के लिए छोड़ दिया। वाटिका में घूमती हुई ये वहीं आ गई जहाँ भगवान खड़े थे। दर्शन हुआ और दर्शन हुआ तो इतनी आनंदित होती हुई लौट करके आई है। आई थी तो शुष्क थी, गई है तो सजल हो करके गई है। नेत्रों से अश्रुधारा बह रहे हैं, वाणी कुछ बोलना चाहती है कुछ निकल रही है। कदम कभी कहीं पड़ते हैं कभी कहीं पड़ते हैं, शरीर शिथिल हो गया, प्रेमातिरेक में मर कर ल
लौटी, सखियां पूछने लगी क्या हुआ है। अरे अभी गई थी तो बिल्कुल ठीक ठाक गई थी, लौटी है तो इस स्थिति में क्या बात हुई। इस सखी ने कहा, मैंने बड़े सुंदर एक दर्शन किए हैं। क्या दर्शन किया है? ये सखी बड़े सुंदर भाव से सुना रही है। हम पे चला दियो टोना, सुघर गोर तारो सलोना। हम पे चला दियो टोना, सुघर गोर तारो सलोना। हम पे चला दियो टोना, सुघर गोर तारो सलोना। हम पे चला दियो टोना, सुघर गोर तारो। सखियों ने पूछ लिया क्या हुआ, गई थी तो ठीक भी आई है तो इस स्थिति में। और सब बोल रहे हैं, ये उत्तर देना चाहती पर शब्द नहीं निकल रहे हैं। किसी ने कहा लगता है किसी ने कुछ जादू कर दिया। और तब वो सखी बड़े भाव से बोल रहे हैं, अरे बोल दर्शन हो गया। और आज देखा है तो एक हाथ में भगवान
पुष्पों का दोना लिए हुए ऐसी झांकी देखी। सखियों ने पूछा तो क्या हुआ, अरे तेरे ज्यादा समस्या थी तो घूंघट लगा लिया, हो तो दिखाई ही नहीं देते। इसने कहा घूंघट भी किया था। बड़े सुंदर भाव से वर्णन कर रहे हैं। सखियां बोली जब घूंघट किया था तो दर्शन कैसे हो गए, कैसे दिखाई दे गए। इसने कहा घूंघट तो लगाया था पर एक गड़बड़ हो गई। कई बार आपने घूंघट देखा उन माताओं का, घूंघट भी हो जाता है और दिखाई भी सब दे जाता है। आज ये भी बोली घूंघट तो किया था पर एक कोना खुला रह गया। राम जी को गड़बड़ हो गई। सखी बोली क्या हुआ, बड़े सुंदर भाव से कह रही है, अब क्या बताऊं क्या हुआ। Oh,
सखियों ने पूछा क्या हुआ, बस इतना बोली गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। कैसे उनका वर्णन करूं, आपको ज्यादा देखना है तो खुद चलकर देख लो। जानकी जी ने थोड़ी देर के लिए पूजा छोड़ दी। यहाँ भगवती किशोरी सहित सब सखियां आई हैं, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। सबसे पहले भगवान की दृष्टि भगवती श्री जानकी जी पर पड़ी। परमात्मा ने भक्ति देवी का दर्शन किया और मानो आज भगवान ने अपना मन भगवती को समर्पित कर दिया। बाद में भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी को भगवान का दर्शन हुआ। यहाँ भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम कर लिया, लौट कर आई हैं गिरजा के मंदिर में आकर के यहाँ गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। बड़े भाव से प्रार्थना की, मन जाहि राज्यों मिले ही सोवर, जो मेरे मन ने स्वीकार कर लिया वही सुंदर सांवला राजकुमार मुझे पति रूप में मिले। वहाँ गिरिजा का आशीर्वाद मिल गया, यहाँ भगवान लौट कर आए, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। एक रात्रि और भगवान का निवास हुआ। दूसरा दिन प्रातः काल हुआ, सुंदर आज धनुष यज्ञ का आयोजन होना है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, बड़े दूर दूर से देश देश के भूपति नाना, अनेक अनेक राजा लोग आने लगे प्रातः काल से। महाराज जनक सबकी सुंदर व्यवस्था करते हैं, सुंदर आसन का निर्माण कराया। वहां आज भगवान श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र जी और लक्ष्मण के सहित विराजमान हुए। सारी सभा व्यवस्थित हुई, सभा के बीच में शंकर जी का धनुष रखा गया। आज भगवान शंकर के धनुष के खंडन के लिए हजारों हजारों राजा लोग सब विराजमान हैं। जनक की सभा में गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। जनक के प्रतिहारों ने सबके बीच में घोषणा की, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, मिनहि विचार बरै हठ तेहि। जो भी शंकर जी के धनुष को खंडित करेगा उसी को भगवती श्री जानकी जी जयमाल समर्पित कर देंगी। मानसकार दर्शन कराए, परिकर बांध उठे अकुलाई, हजारों राजा लोग अपना अपना कमर कस के दौड़ पड़े शंकर जी के धनुष को तोड़ने के लिए। लेकिन सब आते हैं यहाँ शंकर का धनुष उठाने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी कहे आज शिव धनुष को उठाने में सब असमर्थ हो गए, कोई उठाना तो दूर कोई हिला भी नहीं पाया। ऐसी स्थिति में 10,000 राजा एक साथ मिले, 10,000 राजा प्रयास कर रहे हैं। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही के धनुष को उठाने में लगे हैं, तो भी शिव धनुष हिला नहीं। मानसकार दर्शन कराए, बाद में जब कोई राजा नहीं उठा पाया तो एक क्षण के लिए जनक को विषाद हुआ। जनक एक क्षण में बोल गए तज हुआ निज निज गृह जाओ, आप लोग अपने अपने घर को लौट जाइए। कहा तो सब राजाओं से था, पर बोले लक्ष्मण जी हमारे भगवान जिस सभा में बैठे हैं उस सभा में जनक ने अनुचित वाणी का प्रयोग किया है। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए, कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस का प्रयोग किया है। लक्ष्मण जी बोले जहाँ मेरे परमात्मा साक्षात विराजमान हैं उस सभा में आपने कह दिया वीर विहीन मही मैं जाना।
लक्ष्मण जी क्रोध में आए, भगवान का आदेश मिल जाए तो अभी शंकर के धनुष को तोड़ो। और जहाँ लक्ष्मण जी बोले भगवान का आदेश मिल जाए तो शंकर के धनुष को क्या ब्रह्मांड को ही उठा लो, ब्रह्मांड को ही फोड़ दो। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी बस इनको बुला लीजिए वापस। कभी क्रोध करते करते धनुष के पास तो पहुंच ही गए, ज्यादा क्रोध में आए तो कहा लो अभी तोड़ देता हूँ, तोड़ ही दिया तो सारा रामायण परिवर्तित हो जाएगी। भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण को, बस लक्ष्मण जी मौन हो गए। गुरुदेव का आज आदेश मिल रहा है भगवान को, राम उठिए, भगवान निज स्थान से उठे हैं, बाबा मानस में दर्शन करा रहे हैं, हजारों हजारों देवता लोग आकाश में आ गए। भगवान श्री राम शंकर के धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं, ये सोचकर अनेक अनेक देवगण सब आकाश में आ गए दर्शन करने के लिए। यहाँ जनकपुर में प्रत्येक नर नारी अनेक अनेक भावों से उत्साहित होने लगे, सब एक भगवान को देख रहे हैं। उसी समय गुरुदेव का आदेश मिला, भगवान आगे बढ़े और बाबा कहे आज तीन परिक्रमा की शंकर के धनुष की। बाद में शिव को प्रणाम किया, शिव धनुष को प्रणाम किया और मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम गुरुदेव को प्रणाम किया, शंकर को प्रणाम किया, आगे बढ़े हैं, बाएं हाथ से शंकर के धनुष को उठाया। हजारों लोगों के देखते देखते जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, गोस्वामी जी दर्शन कराए, भयंकर शब्द के साथ शिव धनुष दो भागों में विभक्त हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय राम मध्य जन दो भागों में खंडित किया। जय चन राम मधु रन बोला, जय चन राम मधु रन खंडित हुआ। देवताओं ने भगवान का जय घोष किया, हजारों देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे, दसों दिशाओं में दुंदुभियां बजने लगी, आनंद छाने लगा। आज गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, चारों ओर आज जनकपुर वासी आनंदित हो गए, महाराज जनक आनंदित हो गए। यहाँ सबके मध्य में गुरुदेव का आदेश मिला भगवती श्री जानकी जी को। जानकी जी को कह दिया जिस शंकर के धनुष के कारण आप और भगवान श्री राम अलग थे, आज वो मध्य का विघ्न रूपी धनुष तोड़ दिया गया है। जानकी जी को आदेश दिया आप जाइए भगवान को जयमाल समर्पित कीजिए। भगवती श्री किशोरी जानकी जी आज अनेक अनेक सुंदर सखियों के साथ जा रहे हैं भगवान को जयमाल पहनाने के लिए। आप लोग शांति से विराजे रहे, भगवान की वर यात्रा आ रही है, यहाँ बैठे बैठे ही सब लोग दर्शन करेंगे, खड़ा कोई नहीं होगा, सबके मध्य दर्शन होगा, सबको आनंद से दर्शन होगा। आज भगवान आ रहे हैं और यहाँ भगवान यद्यपि तो
भगवान का विवाह बाद में चारों भाइयों का विवाह मानस में संपन्न होगा, उसमें बड़ा विलंब है अभी, लेकिन तो भी सभी को लगने लगा कि शंकर का धनुष ही तो बीच में विघ्न था, शिव धनुष टूट गया तो मानो विवाह संपन्न हो गया। आज भगवान ये जितने लोग खड़े हो रहे हैं, पुरुष वर्ग में जितने लोग खड़े हो रहे हैं, सब लोग बैठ जाइए, यहीं से सभी लोग भाव से दर्शन करिए, भगवान की शोभा यात्रा यहाँ तक आएगी, हम आप सभी लोग यहीं से दर्शन करेंगे। हरि से बड़ा हरि का नाम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, आज परमात्मा श्री राम के द्वारा शंकर का शिव धनुष खंडित हुआ, बाद में आज भगवती किशोरी जी जयमाल लेकर के आई हैं, हजारों सभासदों के मध्य में, हजारों जनकपुर वासियों के मध्य में आज भगवती श्री किशोरी जी ने भगवान के सामने जब भगवती पहुंची हैं, मानस में गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। आज जानकी जी खड़ी हैं, भगवान खड़े हैं, पर जयमाल में थोड़ा सा विलंब हुआ,
या तो ये कहिए कि भगवान बड़े हैं और जानकी जी छोटे हैं, तो जयमाल कैसे पड़े जानकी जी के साथ जो सखियां हैं। ये सारी सखियां मिलकर के बड़ा सुंदर गीत गाने लगे। मानसकार ने कहा, गावे ही छवि अब लोक सहेले। ये सारी सखियां गीत गाने लगी और गीत गाने लगी तो गीत गाते गाते बड़े सुंदर भाव से भगवान की झांकी का वर्णन कर रहे हैं और उस झांकी का वर्णन करते करते बोल गई, भगवान श्याम वर्ण के हैं और जयमाल श्वेत वर्ण की है। भगवान के श्याम वर्ण पर श्वेत जयमाला कितनी सुंदर लग रही है। राम जी सोचे अभी तो जयमाल पड़ी नहीं है, बिना पड़े ही ये गा रही है कि हमारे गले में जयमाल बड़ी सुंदर लग रही है। तो एक बार भगवान ने सिर झुका करके सोचा कोई जादू तो नहीं हो गया, देख तो लूं पड़ी है कि नहीं। सिर झुकाया, सखियों ने कहा डाल दीजिए आपके लिए ही झुक रहे। गावे ही छवि अब लोक सहेली, जयमाल पड़ी। वहाँ भगवान के द्वारा भगवती श्री जानकी जी को जयमाल समर्पित की गई है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, देवतागण आनंदित होने लगे, चारों ओर मंगल वाद्य बजने लगे। यद्यपि तो विवाह में समय है पर सबने मान लिया, टूटत ही धनु भयो विवाह। भगवान आज दूल्हा रूप में है, धनुष टूट गया तो हम आप सब लोग आज भगवान को सुंदर दुलार स्वरूप में भगवान की झांकी करते हुए भगवती किशोरी से जानकी जी को प्रणाम करते हुए भाव से सभी लोग भगवान के विवाह में शामिल हो। परम पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी ने जिन संकल्पों को लेकर मातृत्व संरक्षण केंद्र की स्थापना की है, उनमें प्रमुख रूप से कन्या भ्रूण हत्या रोकना, अनाथ बेटियों का पालन पोषण एवं शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामूहिक विवाहों के द्वारा दहेज प्रथा को रोकना, साथ ही एक वृद्ध सेवा आश्रम की स्थापना एवं विशाल गौशाला का निर्माण अपेक्षित है। कन्या भ्रूण हत्या एक बेटी, बहन, नारी और माँ की हत्या है। अतः बेटी को गर्भ में मारे नहीं बल्कि उसे मातृत्व संरक्षण केंद्र को समर्पित करें। परम पूज्य देवी जी देश विदेश में कथाओं के माध्यम से इन बेटियों के लिए खुला आवाहन करती हैं। उनका चिंतन है संस्कार युक्त मातृत्व का सृजन करना। इसी संकल्प को पूरा करने हेतु देवी जी ने स्वतंत्रता की प्रथम दीपशिखा महारानी लक्ष्मीबाई की पावन वसुंधरा झांसी नगरी में झांसी शिवपुरी हाईवे पर 11 एकड़ भूमि मातृत्व संरक्षण केंद्र के लिए निर्धारित की है। आइए कन्या भ्रूण हत्या रोकने और संस्कारित मातृत्व के सृजन में सहयोगी बने। झांसी केंद्र का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर 03176112982 है, जिसका IFSC कोड है SBIN 00004566। आप हमें 07388535108 पर संपर्क कर सकते हैं। आपका सहयोग किसी अनाथ बेटी को जीवन दे सकता है। मातृत्व संरक्षण केंद्र को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगा।